नमस्कार बच्चों, चलो अभी प्रेयर फिनिश हुआ, अब जो है हम गुलमोहर की बुक हमारी है उसका चैप्टर वन से रिवीजन करेंगे। चैप्टर वन से रिवीजन इसलिए करना है क्योंकि हमारे एग्जाम्स चैप्टर वन से ही होंगे। ओके, टर्म वन और टर्म टू दोनों मिलाकर एग्ज़ाम होंगे, इसलिए हमें रिवीजन शुरू से करना है। आई थिंक सबके पास रिवीजन शीट होगी, तो अब हम रिवीजन शीट करेंगे और उस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम वीडियो में देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले स्वर। आपको तो पता है कि सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ेंगे जिसमें है स्वर। तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे। देखो यहाँ स्वर और व्यंजन, जो एक रेफरेंस बुक से मैं ली हूँ, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिवीजन शीट की वर्णमाला अ से ज्ञ तक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वर्णमाला आता है। रिवीजन शीट में थोड़ा उल्टा एक पेज हो गया है, वर्णमाला के बाद हमारे शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे दो वर्णों वाले शब्द, तीन वर्णों वाले शब्द, चार वर्णों वाले शब्द। इसलिए आज पहला जो है हमारी कक्षा के बाद हमने स्वर और व्यंजन लिया है। देखो सबसे पहले अ, अ जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अ जो है हर वर्ण में होता है, अ जो है ये इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। फिर है आ, आ की मात्रा देखो स्टैंडिंग लाइन है, खड़ी लाइन जिसे बोलते हैं। ई की मात्रा ऐसे करके फिर उसको इधर यानी जो हमारा वर्ड होगा उसकी तरफ झुका देते हैं। बड़ी ई की मात्रा यानी वर्ड के आगे से करके और इस तरफ झुका देते हैं, ये छोटी बड़ी। ठीक है, उसके बाद है छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री ए ऐ ओ औ अंग अह और चंद्रबिंदु, ये हो गए। ठीक है, अब देखो हमारी मात्राएं स्वरों मतलब की संख्या कितनी होती है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, अंग और अह
ये नहीं काउंट होते हैं। तो स्वरों की संख्या जो हमारे गुलमोहर के बुक के अकॉर्डिंग है वो 11 होती है। अब है हमारा व्यंजन। व्यंजन इसमें हर व्यंजन में अ जुड़ा होता है, ठीक है। क ख ग घ अंग च छ ज झ या ट ठ ड ढ अळ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श। इसको हम टंग से टच करके बोलते हैं श ख स। देखो ये जो खटकोड़ है, खटकोड़ वाला स है, इसको हम स भी पढ़ते हैं और ख भी पढ़ते हैं। जैसे बोलते हैं षड्यंत्र, उसको षड्यंत्र भी राइट है, खड़यंत्र भी राइट है। इसको हम दोनों तरह से पढ़ते हैं, ख और स। अब ये देखो स, ये भी स होगा, ये श है और ये स है। ह क्ष त्र ज्ञ श्र, ठीक है। ये हो गए हमारे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन। इसमें दो और है, एक ड ढ, ये न्यू ऐड हुए हैं, ड और ढ, ठीक है। ये ढ और ड मतलब यहाँ बिंदी जो है इनके नीचे लगती है। देखो यहाँ साइड में है तो नीचे लगेगी यहाँ, ओके। ढ की भी नीचे यहाँ लगेगी उसके, जैसे यहाँ दिया है, जैसे कपड़ा, ठीक है। ये हो गए हमारी हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन। तो देखो ये मात्राएं जो साथ में दी है इसलिए इसको लिया गया है। तो ये वर्णमाला का हो गया। इससे देखो, इससे हम बनने वाले शब्द भी पढ़ते हैं, जैसे क सी कबूतर, ख सी खरगोश, ग सी गमला, घ से घर। और ये जो अंग है, अंग का अक्षर खाली होता है, ठीक है। फिर च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, इया का अक्षर खाली है ना, सभी बजाओ ताली। टस टमाटर, ठस ठठेरा, ठठेरा में जो बर्तन बनाता है उसको हम ठठेरा बोलते हैं। ड से डमरू, ढ से ढक्कन, फिर अण का अक्षर खाली होता है। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलगम, ख से खटकोर, स से सपेरा, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। तो ये हो गए व्यंजन से बनने वाले कुछ शब्द। अब चलो हम रिवीजन शीट का पेज नंबर 3 निकालेंगे, जिसमें है वर्णमाला अ से ज्ञ तक दिया है। वर्णमाला पूरी करो, वर्णमाला पूरी करो। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह क ख ग घ अंग। यानी ये खाली जगह जो है वो आपको फील करना है, रिक्त स्थान इसमें जो है भरना है। वर्णमाला जो है जैसे आधी अधूरी दी हुई है वो आपको भरना है। फिर च से च छ ज झ या ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख स ह क्ष त्र ज्ञ। तो ये हो गया वर्णमाला। आपको यहाँ से देख के लिख लेना है अपने रिवीजन शीट में। वीडियो में मैं बताई हूँ, यहाँ से देख के स्वर और यहाँ से देख के व्यंजन। तो पेज नंबर 3 आपको पूरा करना है।
ठीक है, रिवीजन शीट में पेज नंबर 3 पे दिया है। और पहले हमें वर्णमाला सीखनी है, जो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, एक बार रिवीजन करना है हमें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो है वो शुरू से लास्ट तक 6 चैप्टर में होगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके, मैसेज करके। ओके चलो ठीक है, यही हमारा होमवर्क भी है, पेज नंबर 3, रिवीजन शीट पेज नंबर 3, सेम अस क्लास वर्क। बाय एवरीवन।